तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में बोल रहा है कि गुणांकों के अनुपातों की तुलना करके ज्ञात करें कि रैखिक समीकरण युग्म x माइनस दो वाई बराबर जीरो और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर जीरो संगत है या असंगत। तो क्या पूछ रहा है वो, x माइनस टू वाई बराबर जीरो और 3x माइनस, सॉरी ये प्लस है, 4y माइनस 20 बराबर जीरो, ये संगत है या नहीं, संगत या असंगत, क्या है ये पता करना है। ठीक है, तो ये दो रेखीय युग्म दे रखा है, एक रेखीय समीकरण ये है और एक रेखीय समीकरण ये वाला है, तो उस प्रकार दोनों मिलकर युग्म बन गए, क्योंकि एक ये युग्म का मतलब था जोड़ा, तो एक ये हो गया और दूसरे ये हो गया, जोड़ा हो गया तो ये नहीं रेखीय युग्म हो गया। तो अब पूछ रहा है कि ये संगत है या असंगत। अब इसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ए वन बटे में ए टू, बी वन बटे बी टू, ये होना चाहिए, यानी कि इसका जो रेशो है वो इसके रेशो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, संगत कहलाएंगे। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि ए वन ए टू ये बराबर होगा बी वन बटे बी टू के, बट ये बराबर नहीं होगा सी वन बटे सी टू के, तभी क्या कहलाएंगे, तभी कहलाएंगे असंगत। ठीक है, हमें ये चेक करना है। अगर ऐसा समीकरण मिल जाता है जिसमें ये भी बराबर, ये इसके बराबर नहीं होता और ये वाला इसके बराबर नहीं होता, यानी कि आपने तीनों बराबर नहीं, यानी कंडीशन क्या, कंडीशन ऐसे होगी, समझ लो ए वन ए टू बराबर नहीं बी वन बटे बी टू बराबर नहीं सी वन बटे सी टू, तो तीनों आपस में बराबर नहीं, तब क्या कहलाएंगे, तब ये कहलाएंगे संगत, ये वाला कहलाता है असंगत। ठीक है, और इसको भी क्या कहेंगे, इसको भी संगत कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके सॉल्व होने से पहले ये जो है इसके बराबर नहीं है, तो इसलिए इसको संगत माना जाएगा। तो देखते हैं ये कैसे हो रहा है, ये जो है आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है, इसको जो है याद कर लेना, इसी के बेस पे जो है आपको रेखाओं का पता लगता है कि रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही है या समांतर है या असंग, ओ क्या कहें, मतलब संपाती रेखा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये हो गया आपका ए वन, ये हो गया आपका ए टू, ये हो गया आपका बी वन, ये हो गया आपका बी टू, यहाँ पर सी वन नहीं है, यहाँ पे सी टू दे रखा है, ये यहाँ पर सी वन नहीं है, तो सी वन कितना होगा, फिर जीरो जीरो कहला जाएगा। तो देखते हैं अब उसको कैसे करते हैं, ए वन कितना आपके पास, यहाँ पर नंबर कोई नहीं है तो इसलिए एक मानेंगे, तो एक हो गया। ए टू कितना, यहाँ पर एक्स के साथ कितना नंबर लिखा हुआ, तीन, तो तीन हो गया। बी वन कितना, यहाँ पर दो है, वाई के साथ क्या लिखा, दो, लेकिन सर माइनस लिखा, तो माइनस लिखेंगे, माइनस दो बटे में। बी टू कितना है, बी टू देखेंगे यहाँ पे चार है। ठीक है, अभी आपको बराबर लग रहा है, यहाँ पे तो एक है, इनका रेशो देखो कितना आएगा, इसका मैं काटूंगा तो आएगा वन टू, यानी कि एक बटा दो आ रहा है, ये एक बटा तीन है, वो भी माइनस का है, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ हम तीसरा भी चेक कर लेते हैं, तो वैसे तो हमें यहीं से पता लग गया कि ये क्या है, संगत। अब हम वैसे तीसरा भी देख रहे हैं, तीसरा देखते हैं, तो तीसरा में क्या आएगा, तीसरा देखते हैं कि बी वन बटे बी टू और बी वन बटे बी टू और सी वन बटे सी टू, ये चेक करते हैं। तो बी वन कितना है आपके पास, यहाँ पे माइनस दो है, और बी टू कितना है आपके पास, चार है, सी वन कितना है आपके पास, यहाँ पे जीरो है, और सी टू कितना है आपके पास, माइनस 20, तो ये तो खत्म हो गया अपने आप ही, तो ये भी बराबर नहीं, तो ये भी क्या करेगा, संगत जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है, ये तो आपका आठवां सवाल था। अब हम देखें आपका नौवां सवाल, तो आपका नौवां सवाल है कि एक घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 3/7। कोई भी घटना घटी है, उस घटना के घटित होने की, यानी कि वो घटना जो हुई है उसकी प्रायिकता रखें कितनी, 3/7। ये घटना के होने की प्रायिकता है, घटना होने की प्रायिकता, घटना होने की प्रायिकता, प्रायिकता,
ना होने की प्रायिकता क्या है? देखो सात में से तीन हो गए, ठीक है, सात में से तीन घटना हो गई है, अब सात में से कितनी घटना नहीं हुई, तो चार बची, तो यानी कि चार अपॉन सात घटना ना होने की प्रायिकता है, क्या है? घटना ना होने की प्रायिकता। प्रायिकता वाले सवालों में हमेशा नीचे क्या था, टोटल आता है और टोटल का पार्ट ऊपर आता है, किसी की भी प्रायिकता पूछेगी, जैसे कि अब बोला कि छह अंक है, आप बस गिनती याद रखिए, मतलब गिनती नहीं, मान लो एक पास अगर रखा है, पास अगर रखा, पास में जो है छह अंक होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः होता है, अब वो बोलेगा कि विषम आने की प्रायिकता, देखो विषम यहाँ पे कौन कौन से नंबर है, एक विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या वो संख्या होती है जो दो से भाग नहीं होती, तो विषम की प्रायिकता कौन सी, विषम की प्रायिकता देखो एक ही हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, तीन नंबर है विषम, तो क्या होगा, एक दो तीन, तो तीन बटा कितना, टोटल कितने, छः, तो छः होगी, ठीक है, तो प्रायिकता कितनी होगी इसकी, वन अपन टू हो जाएगी इसकी प्रायिकता। अब बोलेगी सम आने की प्रायिकता क्या, तो सम क्या होता है, सम एक दो तीन, तो कितना, तीन बटा छः, ये भी ये जाएगा, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, एक बटा दो हो जाएगा। अब वो बोलता है कि ऐसे कौन सा नंबर है जो तीन के टेबल में आता, उसकी प्रायिकता कितनी है, यानी कि तीन के टेबल में आने वाले नंबरों की प्रायिकता कितनी है इन छः में से, तो तीन के टेबल में कौन कौन सा आएगा, तीन एकम तीन, तीन दो छः, यानी कि दो आएंगे, तो दो बटा छः, इसको मैं इससे काटूंगा, तो दो एकम दो और दो तीन छः, तो ये तीन के टेबल में आने वाले नंबरों की प्रायिकता है, ठीक है, समझ आ गया होगा मुझे लगता है। यहाँ पे नीचे हमेशा टोटल लगा, देखो ये भी टोटल है, ये भी टोटल है, ये भी टोटल है और ये भी टोटल है, तो नीचे हमेशा क्या था, टोटल, और जो ऊपर नंबर आता है वो जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है वो नंबर ऊपर तक दो, बस हो गया काम, छोड़ा छोड़ी के पीछे भागना छोड़ दो, इसमें जो है कुछ नहीं रखा, तितलियां रस चूस लेती है, पता नहीं लगता क्या हो जाता है, ठीक है, चलो आप बोला है एक मीनार, देखो आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, आपका ये कौन सा नंबर कितना है, दस है, ऐसे है, ये दे रखा आपको ए और ये दे रखा आपको बी और ये दे रखा आपको सी, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये आपको कुछ नहीं रखा, यहाँ पर कुछ नहीं रखा, और यहाँ से बोला का ये 40 मीटर है, ठीक है, अब बोला कि एक निरीक्षक एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना चाहता है, कि जब मीनार, ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार है, मीनार, ये मीनार है, ठीक है, इस मीनार की ऊंचाई निकालनी है, अब उसने जो है मीनार के पाद से बिंदु की दूरी दे रखी 40 मीटर, ठीक है, तो उसने एक एंगल ए के लिए टेन ए दे रखा 3/4, क्या दे रखा, टेन ए, टेन ए दे रखा 3/4, ठीक है, टेन ए दे रखा 3/4, ठीक है, ए मीनार के आधार से, यदि ए मीनार के आधार से 40 मीटर दूर है तो मीनार क्यों चाहिए निकलेगा, मीनार क्यों चाहिए निकलेगा, ये क्या होता है, टेन जो होता है क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और इंग्लिश में क्या होगा, पी अपॉन बी, ठीक है, तो देखो ये आपको 3/4 दे रखा है, इसको ऐसे रख दिया, ये क्या है आधार, तो हमने आधार की वैल्यू रख दिया तुमको ये 40, ठीक है, और लंब आपको निकालना है, ठीक है, तो चार धाम कितना 40, और अब क्या करेंगे, 3/1 आया, ये कितना गया 3/1 लंबटे 10, क्रॉस इनटू करते हैं तो कितना रहेगा 30 मीटर रहेगा, कितना लंब, और लंब क्या है मीनार, तो मीनार क्यों चाहिए आपके पास, कितनी है 30 मीटर है मीनार क्यों चाहिए, ठीक है, अभी हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्या देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला कि माध्य का दे रखा है, आंकड़ों का माध्यक जिनके प्रेक्षण आरोह क्रम में 27.5 है, यानी कि माध्यक दे रखा आपको कितना, माध्यक दे रखा है मीडियन दे रखा आपको, ठीक है, मीडियन दे रखा कितना 27.5, ठीक है, तो अब इसमें बोला कि अब बाकी कुछ नंबर दे रखे हैं, उनका मीडियन दे रखा ये, और नंबर कौन कौन से हैं, एक है 24, एक है 25, ऐसे सेम लगा हुए हैं,
एक है 26, एक है x प्लस 2 और एक है x प्लस 3 और एक है x प्लस 30, सॉरी 30 ओनली, 33 और है 37। कितने बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है इसके माध्यम दे रखा, तो आपको फाइंड करना है क्या x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कितनी है। ठीक है, आपको फाइंड करना है क्या x कितना है। इजी सवाल है, बिल्कुल प्यास हो जाएगा। देखो माध्यक निकालने के दो तरीके होते हैं, दो उसमें निकाल लेता है माध्यक। देखो एक दो, जब कभी नंबर सारी काउंटिंग करने पर इवन और ऑड जब आते हैं, ठीक है, इवन और ऑड। देखो जब ऑड आएगा तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, जब ऑड आएगा तो ऑड के लिए करेंगे एन प्लस वन अपॉन में टू। ठीक है, अब ये एन क्या है, ये एन जितने भी नंबर हमने गिने ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8 है एन। ठीक है, कब है ये, जब सम होगा, कब होगा सम, यानी कि सम संख्या। ठीक है, सॉरी मतलब इवन होगा, क्या होगा इवन, जब इवन नंबर होंगे। ठीक है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, गलत हो गया, जब ऑड होगा ना, ऑड, जब ऑड यानी कि विषम, जब विषम नंबर होंगे ना सारे, इनकी गिनती अगर विषम आएगी तो हम ये वाला फॉर्म लेंगे। लेकिन जब, अब देखो जब संख्या जो नंबर होता है इवन और ऑड दोनों होते हैं, ऑड का तो हमें पता लगेगा, लेकिन जब अगर इवन आ जाए तब क्या करें, इवन आने का भी कोई तरीका होता है, तो इवन जब आएंगे तो हम क्या करते हैं, तब हम दो फॉर्मूले यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एन अपॉन टू प्लस वन। ठीक है, इसको बोलेंगे वाह, दूसरा होगा एन अपॉन टू और वाह। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद एक चीज और यूज करेंगे, जो भी नंबर ये आया ना, जैसे वाह बन के आया है, तो उनका क्या कर देंगे, बट्टे में दो कर देंगे। जैसे तुमने ये निकाला, ये निकाला, यानी कि आपने इसका आंसर निकाला होगा कोई, ठीक है, और प्लस कर देना इसके आंसर के साथ, यानी कि इसका आंसर कुछ निकाला होगा। ठीक है, और ये क्या है, वाह यहाँ पर है, बट्टे में क्या कर देंगे दो, क्योंकि दो है ये, इसलिए मतलब एक और ये दो। ठीक है, तो यहाँ पर आता है आपका माध्यक, क्या होता है माध्यक। अब उसको क्या सॉल्व करते हैं, देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 है। मैंने आपको बताया था इवन में अलग फॉर्म लगता है, किसमें, इवन में, और ऑड में अलग। अब ये क्या है, नंबर इवन है तो इवन में अलग फॉर्म लगेगा, अगर ऑड होते तो ये फॉर्म लगता, ऑड होता तो डायरेक्ट हम क्या करते उसमें जो भी काउंटिंग, जैसे अगर मान लो ये 7 आता तो यहाँ पे 7 लिखते प्लस 1 करते और 8 कर देते, 8 को 2 से भाग कर 4, तो चौथा नंबर कर लेते 1, 2, 3, 4, ये चौथा तुम्हारा आंसर हो जाता। लेकिन हमें यहाँ पे एक्स के वैल्यू निकालनी, देखते हैं इसको कैसे करते हैं, काउंट करा कितने हुए 8, तो मैंने लगाया यहाँ पे 8/2, 8/2 जब मैंने करा, 8/2 और ये प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको काटूंगा तो कितना हुआ 4, 4 हुए कितने होंगे 5। ठीक है, और कितने होंगे 5, और ये वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा चौथा, क्योंकि 8 ऊपर रखूंगा और 2 नीचे रखूंगा तो कितना आएगा इसका 4 आ जाएगा, तो चौथा। ठीक है, क्या बनेगा, चौथा बनेगा। अब इसको क्या करना है, अब ये पांचवा चौथा, तो कहते हैं 1, 2, 3, 4, तो चौथा ये, पांचवा चौथा ये वाला है x प्लस 2 और पांचवा कौन सा है x प्लस 3 बटे में 2, बराबर में क्या आता है माध्यक लिखा हुआ आता है। ठीक है, अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इस फॉर्मूले सवाल में क्या देखो, 1 और 1 के तो रहेंगे 2x हो जाएंगे, 2 और 3 कितने हो गए 5 हो गए, बटे हो गए 2। अब माध्यक आपको दे रखा कितना 27.5, तो मैंने लिख दिया 27.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे 1, क्रॉस इंटू करते हैं, क्या करते हैं क्रॉस इंटू, जब इसकी इससे इंटू करोगे तो ये आ जाएगा कितना है 2x प्लस 5, और जब इसकी इससे इंटू करोगे तो 2 5 10 का 0, 2 7 14 1 15, 5 1 2 2 4 1 5, तो ये आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 5 बराबर 55 है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ पर जगह कम हो गई। ठीक है, जब मैं इसको करता हूँ तो 2x प्लस 5 बराबर में ये हो गया 5, क्योंकि जीरो तो खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो अब मैं इसको लेके जाऊँगा इधर, तो कितना हो जाएगा ये 55 है, ये प्लस की संख्या इधर आ गया, कैसे माइनस की,
तो 2x कितना देगा 50, अब इसी इसको हम काट देंगे तो कितना आएगा 25, तो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 25 आई है। ठीक है, तो ये आपका नंबर निकल। अब वो पूछता कि चौथा कौन सा ग्राम, चौथा नंबर कौन सा है, पांचवा नंबर कौन सा है, तो 25 में दो जोड़ दो कितना हो गया 27, तो ये 27 है चौथा, और पांचवा कितना हो गया 25 में तीन जोड़ दो 28, तो ये आपका 28 है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। कि एक रेखाखंड है ए बी को पांच, एक रेखाखंड ए बी को पांच अनुपात आठ में विभाजित किया गया है, कैसे विभाजित किया, रेखाखंड ए बी है इसको पांच अनुपात आठ में विभाजित किया गया, हमने एक किरण ए एक्स इस प्रकार खींची कि एंगल बी एक्स न्यून कोण, इसमें जिसने एक एंगल बनाया होगा बी एक्स तो यहाँ पे कुछ कर दिया होगा बी ए एक्स, तो यहाँ पे कुछ फेंक दिया होगा उसने ऐसे करके, इस वाले पॉइंट को उसने क्या मान लिया एक्स मान लिया। ठीक है, एक न्यून कोण है तो क्या बन गया न्यून कोण, न्यून कोण को होता है जो 90 डिग्री से नीचे का कोण बनेगा उसको न्यून कोण बनता है। देखो ये होता है 90 डिग्री, लेकिन न्यून कोण बोला था इसलिए 90 डिग्री से नीचे रखा हमने। ठीक है, किरण ए एक्स पर समान दूरी पर है, क्या किरण ए एक्स पर क्या समान दूरी पर, ए एक्स पर समान दूरी पर अंकित किए जाने वाले बिंदु की न्यूनतम संख्या क्या। अब उसने बोला कि इस पर न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी कि कितने पॉइंट्स के हो सकते हैं, तो कितनी संख्या होगी आपको बोला है कितने अनुपात बांटा गया पांच अनुपात आठ में। ठीक है, और इसका आंसर कुछ नहीं करना, इन दोनों को प्लस कर दो सिंपल, बस पांच और आठ कितने हो गए 13, तो 13 भाग में बांटा गया, बस इतना खत्म, 13 भाग में विभाजित, सिंपल खत्म, इतना ही और कुछ नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, अभी तो कितना 11 था, सॉरी ये 12 सवाल था, मैंने सवाल नंबर यहाँ पे लिखा नहीं है 12। ठीक है, ये 12 क्वेश्चन था।